हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है और नहाने के बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। इससे पहले मैंने थोड़ा बहुत योगा किया था, एक्सरसाइज नहीं की थी क्योंकि मंथली प्रॉब्लम है। तो फिर ना मैं 3-4 दिन के लिए एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ और खाली मैं योगा ही करती हूँ। और इन दिनों में ना मैं नहा के ही किचन में जाना सही समझती हूँ। तो वैसे तो आज बच्चों की छुट्टी थी तो सबसे पहले मैंने घर के सारे काम कर लिए थे और फिर नहा के मैं आई थी किचन में। किचन में जो भी नाश्ता वगैरह मेरे को बनाना था ना, वो सब करने। और बच्चों की छुट्टी नहीं होती है तो मैं नहा के फिर किचन के काम कर लेती हूँ और उसके बाद जो घर की साफ़ सफाई के काम है ना, वो करती हूँ। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि उनको हलवा खाना है और पूरियाँ खानी है। बहुत दिन क्या हो गया, जैसे कि नवरात्रे आते हैं ना, तो नवरात्रों के दिनों में जब नवमी मैं करती हूँ ना, तो उसी दिन हलवा पूरी जो है ना वो बनती है। मतलब पूरी तो बनती रहती है लेकिन हलवा जो है ना, ये दोनों चीज़ें जो है ना एक साथ, हलवा और पूरी, वो उसी दिन बनती है। वैसे हलवा भी बन जाता है जिस दिन हलवा बनता है, जिस दिन पूरियाँ नहीं होती हैं, पूरी बनती है तो हलवा नहीं होता है। और वैसे तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग कभी ना बन ही जाती है, मन कर ही जाता है खाने का तो, लेकिन दोनों चीज़ें फिर साथ में खाने की ये बोल रहे थे तो फिर सोचा कि आज चलो मैं इनको बना ही देती हूँ। और इसके साथ ही मैं बना रही थी आलू गोभी की जो सूखी वाली सब्ज़ी होती है ना, वो पूरियों के साथ काफ़ी अच्छी लगती है सूखी सब्ज़ी। वैसे आलू की सब्ज़ी जो होती है रस वाली, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं को पसंद है आलू गोभी की सब्ज़ी ना सूखी वाली पूरी के साथ, तो फिर वही मैं बना रही थी। तो देखिए, हलवा तो रेडी हो गया है, साथ ही मैंने कट कर लिए है बादाम इसमें डालने के लिए। बाकी और कोई से भी ड्राई फ्रूट बच्चे नहीं डालने देते हैं, तो मैंने खाली बादाम ही डाले कट करके। और यही मैं साथ ही तड़का लगा रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने कट करके रख ली थी और अभी मैंने सरसों का ऑयल में डाल दिया है, जीरा साथ ही डाल दिया, कटा हुआ प्याज लहसुन, और साथ में ना लंबी लंबी 3-4 मिर्चें मैं डाल देती हूँ। इससे मुझे, मतलब जो सब्ज़ी में पकी हुई मिर्च होती है ना, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा सब्ज़ी में ना सूखी वाली में 3-4 मिर्चें डाल देती हूँ एक कट सा लगा के, जिससे कि स्पाइसी ज़्यादा ना बने और मिर्चें ना वैसे की वैसी साबुती निकल आएँ जो मैं खा सकूँ। और देखिए, अब डाल दी है मैंने सब्ज़ी, साथ साथ ही मैंने किचन के सारे काम ना निपटा ही लिए थे। और इसके इसी बीच जैसे कि मेरे को डस्टिंग वगैरह के काम जो थे ना, वो रह रहे थे तो वो भी मैंने कर लिए थे। और ना इतने बच्चे वगैरह सोए हुए थे अब तक, तो फिर मैंने इनको 7:30-8 बजे के लगभग उठाया था क्योंकि इनके भी पेपर चल रहे हैं, तो इनको भी मैं जल्दी उठा देती हूँ और फिर इनको पढ़ने बैठना है। तो लास्ट में मैं लगी थी पूरियाँ निकालने और अब तक ना, मतलब बच्चे सब ब्रश वगैरह करके रेडी थे। अभी जैसे सुबह सुबह का टाइम है ना, तो नहाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं, फिर ये दोपहर के टाइम में नहाते हैं। तो खाना बिल्कुल तैयार है और ठीक 8 बजे तक ना हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। इसके बाद हस्बैंड चले गए थे काम पे और मैं बैठ गई थी बच्चों को लेके, इनको पढ़ाना था ना, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इनको लेके फिर मैं बैठ गई थी दोपहर तक। और साथ साथ ही मेरा स्टोर रूम है, वो भी मैंने साफ़ किया था और थोड़ी बहुत ही ज़्यादा सफाई नहीं थी, साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी और स्टोर रूम साफ़ करने लग गई थी मैं। तो फिर ये होता है ना कि साफ़ सफाई करने लगते हैं तो एक से एक फिर काम आगे से आगे दिखता जाता है और मन करता है ये भी कर लो वो भी कर लो। तो जैसे मैं दिवाली के आसपास ना स्टोर रूम की सफाई करने वाली थी, लेकिन फिर मेरे से नहीं रुका गया। और मैंने ना, एक्चुअली बात यह है कि दिवाली के आसपास और अगले, मतलब जो अक्टूबर नवम्बर का मंथ है ना, उसमें शादियाँ वगैरह भी हैं, तो उस टाइम फिर ये वाले काम भी रहेंगे शादी ब्याह में जाने की। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना धीरे धीरे मैं ये जो साफ़ सफाइयों के काम है ना, इनको निपटाते चली जाऊँ अभी से ही। और 1-1.5 महीने में तो दोबारा गंदी होने से रही चीज़ें अगर हम अच्छे से साफ़ कर देंगे, तो फिर 1-1.5 महीना तो आपको पता है वैसे भी इतनी गंदगी नहीं होती है। स्टोर रूम वगैरह तो वैसे भी अंदर होते, वहाँ कोई जाता तो है नहीं, तो मैंने स्टोर रूम को अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब दिवाली के दिनों के आसपास अगर मेरे को टाइम लगता है तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग उसकी वैसे मैं कर लूँगी, नहीं तो सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने अच्छे से लगा दी हैं वहाँ की। और अब मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, तो यहाँ के जो मैट्रेस है ना, इनमें भी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बरसातों के मौसम गए हैं, एक दिन मैंने इनको धूप लगा के भी रखा था बाहर, तो इसमें से मतलब होता है ना बरसातों के दिनों में ना हल्की हल्की सी महक आने लग जाती है हर किसी चीज़ से, मतलब कपड़े से, ज़्यादातर कपड़ों से। तो फिर इसमें मैंने इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, और साफ़ करने के लिए जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ना, वो मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है इसमें, ताकि इसकी जो महक सी है ना वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी जो महक है ना वो आती है इससे काफ़ी अच्छी। तो मैं वो बेकिंग सोडा डाल के इसमें आ गई थी और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। दोपहर का टाइम है क्योंकि इस बीच मैंने आपको बताया कि स्टोर रूम वगैरह भी साफ़ किया है मैंने, तो ये फिर दोपहर के 12:30 बजे के लगभग का टाइम था। और अभी मैं, बच्चों ने बोल दिया था कि हलवा पूरी वैसे खाते हैं तो थोड़ा हैवी से खाना जो है ना वो हो जाता है,
तो अभी बच्चों ने दाल चावल खाने के लिए ना बिल्कुल मना किया था कि हमें नहीं खाने दाल चावल। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा थोड़ा पोहा बना लेती हूँ, हल्का भी रहेगा खाने में और हेल्दी भी रहेगा। तो मैंने फिर इस टाइम ना दाल चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं और बच्चे ही होते हैं घर में दोपहर के टाइम खाना खाने वाले, तो फिर अपने लिए तो फिर मैं क्या ही दाल चावल बनाती। इसलिए मैंने भी पोहा ही ले लिया था। और सच में जब पूड़ियाँ वगैरह कुछ ऐसे आलू के परांठे गोभी के परांठे कुछ ऐसे खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अब तो खाने की मतलब ना अब तो इच्छा ही नहीं है दोपहर के खाने की। ऐसा हो जाता है इतना खाना, थोड़ा अब ऐसा हो जाता है ना वो तला हुआ तो करके। तो फिर अभी हमने पोहा ही खाया था सबने। और फिर शाम के टाइम ना हल्की फुल्की चाय के साथ मैं स्नैक्स वगैरह रख देती हूँ इनको, तो शाम के टाइम का भी मतलब ये है कि भूख नहीं लगती है। और दाल चावल का सोच रही हूँ कि दाल चावल आज रात को ही बनाऊँगी। तो देखिए पोहा भी बन गया है और अब फिर से अंदर बेडरूम की सफाई करने। तो ये जो मैंने बेकिंग पाउडर डाला था ना, मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, एक हल्का सा बिल्कुल मतलब थोड़ा सा गीला कपड़ा किया है सारे में इस पाउडर को ना अच्छे से मतलब साफ़ कर लिया था। और अब मैं बेड शीट जो है ना उसको भी चेंज कर दूँगी। तो कुछ दिनों के बाद मतलब हम ये वाले क्लीनिंग भी करते रहे ना, ये जो मैट्रेस वगैरह है इनकी भी तो सही रहता है। और छोटे बच्चे जहाँ पे हो ना वहाँ पे तो स्पेशली इन सब बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो देखिए ये वाला जो काम है ना ये भी हो गया है। अच्छा मैंने वॉशिंग मशीन जो लगाई थी ना उसके कपड़े मैंने अब तक नहीं निकाले थे, क्योंकि मैं इस बीच लग गई थी अपना जो स्टोर रूम है ना उसको साफ़ करने। तो कपड़े धुल गए हैं, मैं बस सुखाना बाकी है, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो अभी सुखा दूँगी। आजकल वैसे भी धूप ही आ रही है, मौसम अच्छा है, कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो सूखने की तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखिए मैं बेड वगैरह साफ़ करने के बाद लेट गई थी, क्योंकि अगर पूरे दिन में मैं अपना जो मेरा टाइम है ना लेटने का सोने का रेस्ट करने का, अगर उस टाइम पर मैं रेस्ट ना लूँ ना, तो फिर शाम के टाइम के जो काम करने की जब बारी आती है ना उस टाइम मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ मतलब कमज़ोर कि मेरे से नहीं किया जाएगा काम। क्योंकि वही है सुबह से उठ के लगातार काम किया है तो फिर बीच में बॉडी भी तो रेस्ट मांगती है ना, लगातार कैसे ही हम लगे रहेंगे शाम तक। तो इसलिए मैं जब सोने का मेरा एक टाइम है उस टाइम पे मैं सो जाती हूँ, और फिर उठने के बाद जब मैं काम करती हूँ ना मैं मतलब कोई मुझे थकावट नहीं होती है, फुल एनर्जी के साथ काम करती हूँ इवनिंग टाइम के भी। तो सो के उठने के बाद देखिए मैं 4 बजे उठ गई थी और लास्ट ना दोपहर के काम 1:30 बजे तक ख़त्म हो गए थे, जैसे जो भी सफाइयाँ मैंने की थी या लंच वगैरह पोहा वगैरह बनाया था बेड साफ़ किया था सब करके 1:30 बजे मैं सो गई थी। और 1:30 से 4 बजे तक मैंने आराम से नींद ली है, आरू को भी अपने साथ सुला लिया था। और इस बीच मैं कर रहा था अपने पेपर की तैयारी और फिर आधा की घंटा उसने देखा था टीवी। तो अभी मैं उठ के लगी हूँ कपड़े सुखाने, जो कपड़े मशीन में पड़े थे उनको, और साथ ही मैं आरू को लेके बैठूंगी। अब आरू को पढ़ाऊंगी, इसका भी कल पेपर है। तो सुबह के टाइम पे भी मैंने इनको पढ़ने बिठाया था, लेकिन अब इस टाइम में भी थोड़ा बहुत जो रह गया ना उसकी तैयारी करवाऊंगी, और एक बार रात को सोने से पहले ना रिवाइज करवा दूंगी जो भी मैंने पूरे दिन में पढ़ाया है वो। और बच्चों को पढ़ाने का या इनके साथ उठने बैठने का, इनके साथ बात करने का या इनके साथ खेलने का जो टाइम है ना वो टाइम मैं पूरी तरह से इनको देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि नहीं आज नहीं कल कल खेलेंगे या कल पढ़ेंगे, आज रहने देते हैं, कल छुट्टी है तो कल पढ़ते हैं। जो टाइम मैंने इनके लिए बांध रखा है कि हाँ मैंने ये वाला टाइम जो है वो बच्चों को देना है, तो वो टाइम मैं बच्चों को देती ही देती हूँ। तो 4 बजे मयंक चला जाता है ट्यूशन और 4 बजे मेरा रहता है रोज़ का रूटीन कि 4 बजे मैं आरू को लेके बैठूंगी, इसको पढ़ाऊंगी, इसको पढ़ाती हूँ और फिर 6 बजे तक ये पढ़ता है। उसके बाद ना बच्चों का आजकल जैसे कि ये हो गया ना कि फ़ोन और टीवी और बाकी जो भी हमारी गेम्स होती हैं थी ना पहले, जैसे कैरम बोर्ड खेल लिया या लूडो खेल ली या भाई बहन जैसे साथ में खेलते थे ना पहले के टाइम पे, वो वाली गेम्स जो है ना वो सारी ख़त्म हो गई है। तो बच्चों का क्या हो गया है, फ़ोन चाहिए उनको। जैसे वो अपनी पढ़ाई से फ्री हो रहे हैं, बस मम्मा फ़ोन दे दो 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए, फ़ोन नहीं तो टीवी और टीवी नहीं तो फ़ोन, बस यही गेम्स रह गई हैं। अब बच्चों को ज़्यादा देर तक मैं बाहर भी नहीं भेजती हूँ कि घर के बाहर मैं खेलने के लिए भेज दिया, मेरा ना मन ही नहीं मानता है कि मैं इनको घर के बाहर भेजूँ खेलने के लिए। जिद करके ये चले भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर सोचती हूँ कि चलो बच्चों को देखा देखी ये भी मतलब जाना चाह रहे हैं कि घर के बाहर जाएंगे, तो 15-20 मिनट के लिए भेज तो देती हूँ लेकिन मेरा मन मानता नहीं है। तो
ज़्यादा कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं खुद ही इनके साथ खेलूँ, ताकि ये बाहर जाने की जिद जो है ना वो ना करें, क्योंकि अब इनके पापा के पास भी इतना टाइम नहीं है कि भाई आते के साथ ही वो इनके साथ खेलने लग जाएं। 6:30 बजे के करीब वो आते हैं तो फिर थकी होती हैं, तो मैं उनको भी नहीं बोल सकती कि इनके साथ आप मतलब कोई गेम खेलो या कोई कुछ, तो मैं उनको भी नहीं बोलती हूँ। कई बार मैं बोल भी देती हूँ कि बच्चों के साथ छत पर चले जाओ, तो फिर ना मतलब वो अनसुनी सी कर देते हैं बात को, क्योंकि यही है कि थके हुए आए हैं बच्चों को लेके अब छत पर चले जाएंगे, तो फिर मैं बार बार बोलती नहीं हूँ। तो वैसे तो थकी मैं भी होती हूँ पूरा दिन, लेकिन ये है कि हमको ना बीच में थोड़ा रेस्ट तो मिल जाता है, 1.5 घंटे का 2 घंटे का हम सो भी जाते हैं, लेकिन उनको तो फिर नहीं मिलता है ना, इसलिए मैं उनके साथ ज़्यादा बोलती नहीं हूँ इस बात को लेके। और मैं बच्चों को लेके छत पे चली जाती हूँ या यहाँ वहाँ मैं मतलब उसको कहीं ना कहीं खिला लेती। ज़्यादा दिक्कत आरू की रहती है, मयंक की इतनी दिक्कत नहीं है, मयंक थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो घर के, वो आरू को लेके ना फिर आज मैं सोच रही थी कि चलो इसको ऐसी कुछ मतलब गेम्स मैं लेके आती हूँ, ऐसी कोई गेम खेले जिससे कि हम भी साथ में बैठ के आराम से खेलें और हम सब ना एक साथ बैठ के मतलब खेलें, जिससे बच्चों को भी टाइम दे सकें, गेम को गेम हो जाएगी और बच्चे वैसे ही खुश हो जाएंगे। तो कैरम बोर्ड आरू बोल रहा था कि इसके दोस्त के पास ना कैरम बोर्ड है, तो ये बोल रहा था कि मम्मा कैरम बोर्ड मैं भी लेके आऊँगा तो हम भी खेला करेंगे फिर साथ में। तो फिर अभी शाम के टाइम फिर हम सोच रहे थे, अभी यही बात कर रहे थे, देखिए कितना खुश हो रहा है, अभी कैरम बोर्ड की बात ही हो रही थी कि आरू के लिए हम ना आज कैरम बोर्ड लेके आएंगे, जो चीज़ें हमने कब की लाना घर में बंद कर दी है। और ये बोलते कि अभी कैरम बोर्ड की क्या ज़रूरत है, मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये सब की क्या ज़रूरत है कैरम बोर्ड वगैरह लाने की। तो मैंने बोला कि नहीं, बच्चों को अगर खिलाना है साथ में बिठाना है तो ये सब चीज़ें लानी पड़ेगी। तो ना मैंने आपको बताया था कि रात को ही मैं दाल चावल बनाऊंगी, तो मैं दाल बना के आ गई हूँ, अब बस टेंशन नहीं है, आके चावल बनाने हैं मुझे, और चावल चढ़ाने का तो ज़्यादा कोई काम होता नहीं है। तो देखिए कुछ सामान हमने लेना भी था, जैसे कि आटा चावल वगैरह ख़त्म हो रहा था, वो भी हमने ले लिया है, और हम मंडी की तरफ आए थे तो फिर सोचा कि सब्ज़ी भी ले ही लेते हैं, तो सब्ज़ी मैं लेने लगी थी यहाँ पे, और फिर गए थे इसके बाद हम फ्रूट्स वगैरह लेने। जब मंडी की तरफ आते हैं ना तो फिर तो यही रहता है कि चलो अब आए ही हैं इतनी दूर तो ये भी ले लेते हैं वो भी लेते हैं, तो सारी सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह जो भी मेरे को लेना था वो मैंने ले लिया। और यहाँ देखिए आरू की खुशी का तो ना कोई ठिकाना नहीं है, बस अभी इसका कैरम बोर्ड इसके हाथ में आ गया है, अब तो ये बोल रहा कि घर चलो, बस अब कुछ नहीं लेना है घर चल दो। तो देखिए हम आ गए थे घर, और अभी मैं जो भी सामान वगैरह लेके आई हूँ ना उसको मैं रख लूँगी, और आरू बस आते के साथ ही खेलने बैठ गया है और बहुत खुश भी है। मयंक को भी उसने अपने साथ बिठा लिया, हालांकि मयंक इतना इंटरेस्ट दिखाता नहीं है, लेकिन मयंक को ये है कि बस उसको फ़ोन और टीवी की आदत ना ज़्यादा लग गई थी, तो वो वाली आदत भी इसकी छुड़ानी थी। हालांकि टीवी में ना ये ना मतलब ये कोई सीरियल पकड़ लेता है, अभी इसने शिव शक्ति का सीरियल जो है ना वो मतलब अभी पूरा किया ही है, और अभी जो बाल कृष्ण वाला जो सीरियल है ना काफ़ी अच्छा, अपने क्या नाम है कृष्णा नाम है या कुछ ऐसा है, वो वाला पकड़ा है, तो उसके 3-3, 4-4 एपिसोड ना वो एक बारी में देख लेता है। हालांकि कुछ गलत चीज़ नहीं है, अच्छी है, इसलिए मैं उसको रोकती नहीं हूँ। तो ये बोलता है कि मुझे मतलब 1-2 की एपिसोड ना देखने दिया करो आप, तो टीवी में यही देखता है, बाकी और कुछ नहीं देखता, मतलब ऐसी कोई चीज़ें मैं इसको देखने नहीं देती हूँ। और फ़ोन लेता है तो फिर फ़ोन में ये देखते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिए, उल्टे सीधे ये सब कुछ देख लिए, तो फ़ोन मैं इनका बिल्कुल बंद करवा दिया है। हाँ टीवी ये थोड़ी बहुत देर देखेंगे, वो तो देखेंगे ही, अब इतना सब कुछ मैं बंद नहीं करवा सकती क्योंकि घर के बाहर भी ये खेलने नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को हमें ना खुद टाइम देना होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी इस वाली वीडियो का भी एंड गाइस, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और आपके कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगली वीडियो बनाने का ना मेरा बड़ा मन करता है, कमेंट देख देख के ना मतलब होता है ना एक एनर्जी सी आ जाती है कोई अच्छा कमेंट करता है, तो प्लीज़ कमेंट भी करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है कैसी नहीं। तो चलिए मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।